हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GTA 5 के अंदर वाइनवुड विला हिल विद एयरपोर्ट। तो इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपकी GTA के अंदर मैप एडिटर एंड मैप बिल्डर पहले से इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर वो इंस्टॉल है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। मैप बिल्डर मैप एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो पहले जाके उसे इंस्टॉल करिए, मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए। तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, मैंने पहले से की हुई है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। फिर तो आपको अपने डाउनलोड्स में जाना है, जहाँ पे ये फाइल है, ये रही मेरे पास अपने डाउनलोड्स में। इसके अंदर हमें ये कुछ फाइलें मिलेंगी। ये पहले सबसे पहले स्क्रिप्ट वाली फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर ये कुछ फाइलें हैं, सिंपली आपको अपनी GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में जाना है, जहाँ पर आपकी GTA 5 है। उसके अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर होगा और सिंपली इन फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने पहले से की हुई है, इसे मैं नहीं करूँगा, पर आपको करना है। फिर वापस आपको इसमें जाना है, फिर बैक जाना है। अब ये जो 3 XML फाइलें हैं, इसमें से कोई भी एक आपको अपने ऑटो लोड मैप्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। जैसे कि मैं ये फर्स्ट वाली कर देता हूँ। तीनों एक साथ नहीं करनी है, कोई भी तीनों में से एक कर सकते हो। और हमारा मोड इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं आपको गेम के अंदर जाके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम गेम के अंदर आ चुके हैं और हमारा मैप लोड हो रहा है। ये देखिए, लोडिंग मॉडल्स दिखा रहा है। ये थोड़ा लैग करेगा जब लोडिंग होगा, आपको ये हो जाने देना है। देखिए, मैप हमारा लोड हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ वो विला कहाँ आएगा, उसकी लोकेशन यहाँ पर है। ये देखिए, मेरा सामने देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इसकी लोकेशन। ये चॉपर है, ये जेट है, ये बाइक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ ये पार्टी चल रही है। ये गाड़ियां हैं कुछ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस मोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।